हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो में आके व्हाइट कोलगेट टूथपेस्ट से हम बहुत सारे इस्तेमाल होने की टिप्स है आपको मैं बता दूं आप कैसे इस्तेमाल करना है। ये व्हाइट टूथपेस्ट पहले हम इसे कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीस हम कट कर लेंगे। ये हमें होगा से पेस्ट शीट है ना, इसको नॉर्मल से फेंकना नहीं आप, इससे बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। देख लिया मैं कैसे इस्तेमाल करना आप, इसमें आपको मैं ट्रिक्स बोल दूँ टिप्स। दोस्तों आप क्या करते हैं तो बहुत सारे जो फंक्शन देख लीजिए, व्हाइट ड्रेस व्हाइट शर्ट से पहले जाते थे फंक्शन पार्टी हमेशा, आप क्या करते हो तो कोई तो हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा धब्बे लग जाते हैं, नहीं कहता ऑलरेडी कोई तो धब्बा है था, काले काले मार्क्स है तो उसको आसान से क्लीन करके दिखा दूं मैं। आप 5 सेकंड में 10 सेकंड में आसान से क्लीन कर सकते हैं, ये काले काले है ना, ये काल रंग ने इसको क्लीन करके दिखा दूं अब मैं। देख लेना हमें कट कर लेना कोलगेट का पेस्ट का मैं शीट, इसमें हम लोग पेस्ट बचा रहता है, देख लीजिए कितना पेस्ट बचाएगी, इससे हम लोग आसान से क्लीन कर दिखाता हूँ आपको। ऐसा आप क्लीन करेगा ना आप 5 सेकंड 10 सेकंड में आसान से क्लीन हो जाता, नया जैसा बन जाता, देख लीजिए टेम्पररी क्लीन हो जाता है। आप नॉर्मल से क्लीन कर लेते ना, वॉश कर लेते ना, फिर आपको परमानेंट क्लीन हो जाएगा, नया सका हो जाता है आपका ड्रेस पूरा, देख लीजिए कोई डस्ट भी नहीं है, ऐसा नीट से क्लीन हो गया कलर ने। ऐसा आप कभी तक क्लीन कर लेना, कोई तो प्रॉब्लम है ड्रेस शर्ट अंदर। पुराना स्विच बोर्ड को हमें नया जैसा बना सकते हैं कोलगेट पेस्ट से, ऐसा आप व्हाइट पेस्ट आप अप्लाई करना स्विच बोर्ड, आप अप्लाई करते टाइम आप करंट स्विच ऑफ करना, मेन स्विच बैटरी है तो ऑफ करना, चप्पल पहनना सेफ्टी से, ऐसा अप्लाई करता लेके बाद आपको एक आधा घंटा छोड़ता लेके बाद फिर आप ब्रश से रफ करना, ऐसे रफ करे तो आसान से डस्ट पूरा आ जाता, ऐसा आप 2 बार करना पकड़ता, ज़्यादा डस्ट है तो कम डस्ट है तो 1 बार में आसान से क्लीन हो जाता। ऐसा आप 2 बार ऐसा सूखा कपड़े से पोंछ देना, पोंछे तो आपका स्विच बोर्ड नहीं है जैसा बन जाता है। ऐसा आपको ट्राई करके देखना, बहुत सारे जन करको है, ऐसा मैं लाइव डेमो आपको दिखाता हूँ। स्विच बोर्ड आप आसान से काट सकते, क्लीन नहीं है जैसा बना सकते हैं आप, सेफ्टी से करना आप, ऐसा ट्राई करके डेफिनेटली वर्कआउट होता है। देखे ना दोस्तों ऐसा नहीं जैसा बना सकते हैं आप, स्विच भी हंदी बोर्ड भी हंदी, ऐसा नहीं जैसा बना लेना। दोस्तों बहुत सारे जन आजकल जो चश्मा इस्तेमाल करते हैं, चश्मा में देख लीजिए डस्ट ज़्यादा आता, मामू से क्लीन करते क्लीन नहीं होता, ऐसा हमें देख लीजिए हमें कट करे तो थोड़ा हमें कोलगेट का पेस्ट होता ना इसको लगा के हमें क्लीन करेगा ना, नहीं जैसा बन जाता, हमने आईने भी अच्छा शाइनिंग से दिखता, आपको क्लीन करके मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए डस्ट करते जाते भी। आप ऐसा पेस्ट से ऐसा क्लीन करेगा बाद देख लीजिए कॉटन कपड़ा कोई तो भी स्मूथ होता ना वो कपड़ा ले लेना, ऐसा आसान से पोंछ देना सूखा कपड़े से, नीट से नया ग्लास का सका बन जाता आपका चश्मा। दोस्तों ऐसा आसान से क्लीन कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं जैसा बन जाते आपके सनग्लास संदे आप चश्मा हंदे। आपका मोबाइल पोच हो आपको डस्ट ज़्यादा जमको आप ज़्यादा काला हो गया तो देख लीजिए सिंपल से आप क्लीन कर सकते हैं, नहीं जैसा बना सकते, ऐसा आप वेस्ट कोलगेट पेस्ट से ऐसा आप अप्लाई करने के बाद देख लीजिए 10 मिनट 15 मिनट छोड़ देना, बाद में आकर आप आसान से नहीं जैसा बना सकते, ऐसा अच्छे से रफ कर लेना ब्रश से, बाद में क्या करते हो तो फिर एक बार आप सूखे के बाद थोड़ा हमें रफ करना, रफ करे तो डस्ट पूरा निकल जाता, फिर क्या करते हो तो आप थोड़ा आप पानी डाल को तो नहीं तो सूखा कपड़े से तो आप ऐसा चुपके ऐसा पोंछ देना ऊपर ऊपर पोंछ दे तो नहीं है जैसा क्लीन से हो जाता। कभी तो आप शॉर्टकट में आपका मोबाइल पोंछ क्लीन करने का तो ऐसा आप क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, 5 मिनट में नहीं जैसा बन जाता। कांच के बर्तन भी जब जब हमें क्लीन करते हैं तो भी डस्ट जमता आता, देख लीजिए ऐसा हार्ड मार्क ज़्यादा डस्ट हो जाए तो नॉर्मल से क्लीन होते नहीं। इसको क्लीन करने के लिए आप क्या करते हो तो कोलगेट पेस्ट अंदर अप्लाई कर देना, अप्लाई कर देने के बाद क्या करते हो तो गर्म पानी से आप थोड़ी देर रख देना, रख देने के बाद देख लीजिए आसान से देख लीजिए फिर क्लीन करे तो आप चमक आ जाता, नए जैसा बन जाते, ऐसा आप नए जैसे चमकाना का तो कोलगेट पेस्ट से आप ग्लासेस चमका सकते हैं आप। मिक्सी का प्लग हंदे या मिक्सी हंदे देख लीजिए ऑयल ज़्यादा डस्ट जमता आता, हमें चूल्हे रूम में ज़्यादा डस्ट जमता आता, इसको हमें कभी भी क्लीन नहीं करते, इसको आसान से क्लीन करके दिखाता हूँ ये वीडियो में मैं, ऑयल का डस्ट ज़्यादा जम गया है ना, अब इसको आसान से मैं क्लीन करके दिखाता हूँ। पहले हमें कोलगेट पेस्ट हमें अप्लाई कर लेना वेस्ट से ऐसा शीट में का, अप्लाई करने के बाद हमें ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लेना, कोई शॉक मारने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, पानी इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल से पेस्ट अप्लाई करने के बाद उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद कपड़े से है नहीं आप क्या करते तो क्लीन कर देना, कपड़े से क्लीन कर दे तो नीट से आ जाता, पानी डाले तो शॉर्ट सर्किट होता, उसके लिए आप कपड़े से पोंछना आप नीट से पोंछ ले तो नए जैसा बन जाता आपको, कभी तो वैसा क्लीन कर सकते हैं मिक्सी भी हंदे प्लग भी हंदे। दोस्तों आजकल बहुत सारे जनों देख लीजिए शू इस्तेमाल करते हैं, देख लीजिए लेडीज हंदे जेंट्स हंदे शू इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हम लोग ज़्यादा डस्ट जमता होता ऐसा काला काला डस्ट होता होता, इसको भी हमें आसान से क्लीन कर सकते हैं। कोलगेट पेस्ट आप ब्रश में ले लेको थोड़ा अप्लाई करको थोड़ा वॉश करना पकड़ता, देख लीजिए 5 मिनट में आपको आसान से नए जैसा बन सकता है आपका शू हंदे, कितना हार्ड मार्क्स भी हंदे, ज़्यादा हार्ड मार्क्स है तो आप थोड़ा गर्म पानी इस्तेमाल करको वॉश कर सकते हैं, बाद में होना का तो देख लीजिए वॉश करे के बाद हमें कपड़े से हमें पोंछना दे रही, देख लीजिए आपको दिखा देता हूँ नए जैसा बन जाएगा था।
आपको डिफरेंट भी दिखा तुम्हें कैसा आता है। साइड में देखना व्हाइट पट्टी पूरा नया जैसा बन गया, ऊपर काला भी नया जैसा बन गया। आपको पीछे साइड देख लेना कितना डस्ट ऐसा मट्टी ज़्यादा जम है, कि ऊपर साइड भी देख लेना डिफरेंट कितना है, कि ऐसा आपको शू डिफरेंस आ जाता है, आपको नया जैसा बन जाता है। कभी तो होना होता शॉर्टकट में ऐसा क्लीन कर सकते हैं, नया जैसा बना सकते। आजकल बहुत सारे जनों व्हाइट मोबाइल, व्हाइट चार्जर, व्हाइट ईयरफोन्स इस्तेमाल करते थे, ज़्यादा डस्ट जमता रहता है, उसको बराबर नहीं हमें क्लीन नहीं करते। उसके वास्ते आपको आसान तरीके से दिखाता हूँ, आप कोई भी हंदे व्हाइट इस्तेमाल करते से चीज़ को आप क्लीन कर सकते हैं, ऐसा वेस्ट पेस्ट से आप क्लीन कर सकते हैं। ज़्यादा पानी नहीं सका आप, खाली पेस्ट लगा के आप इस्तेमाल करना, क्लीन करना, ब्रश से रफ करे तो आसान से क्लीन हो जाता। पानी डाल के क्लीन करे तो पानी अंदर जाकर शॉर्टेज आने का प्रॉब्लम होता, चार्जर हंदे कोई भी हंदे सेल भी हंदे। ऐसे सिंपल से आप क्लीन करे तो ऊपर ऊपर का काला काला धब्बा ऐसे डस्ट पूरा आसान से चले जाता। आप चुटके हमें क्लीन कर सकते हैं, नए जैसा बना सकते हैं आप। आप क्लीन करने के बाद ऐसा रफ करने के बाद कपड़े से थोड़ा पोंछ देना, वायर भी होना का तो क्लीन कर लेना ऐसा रफ कर को पेस्ट लगा के। आप देखना आप चार्जर नया जैसा बन गया, ऐसा आप कभी होना का तो आप चार्जर ऐसा क्लीन कर को कपड़े से ऐसा पोंछ दे तो नया जैसा बन जाता, देख लेना बहुत सिंपल से नया जैसा बन गया हमारा चार्जर। व्हाइट चीज़ें आसान से ऐसा क्लीन कर सकते हैं आप। दोस्तों आप क्या करते हैं तो आयरन बॉक्स भी आसान से क्लीन कर सकते हैं। आयरन बॉक्स ऐसा प्लास्टिक में आता, ऐसा डस्ट पूरा जमता आता, थोड़े कपड़े जले ऐसा बाज भी होता, देखिए नीचे साइड भी ऐसा दाग लग सका आता। ऐसा आप कोलगेट पेस्ट से आसान से क्लीन कर सकते हैं। आयरन बॉक्स भी नए जैसा बना सकते हैं आप। तले साइड भी क्लीन कर लेना, ऊपर साइड भी क्लीन कर लेना, सब जगह ऐसा आयरन बॉक्स क्लीन करके नया जैसा आयरन बॉक्स आप बना सकते हैं। क्लीन करके ट्राई करके देखना कोलगेट पेस्ट से, ऐसा पानी ज्यादा गिर सके नीट से क्लीन कर लेना। दोस्तों ऐसा आप कोलगेट पेस्ट ले लेना। आप क्या करते हैं आप चांदी के पट्टे आते, चांदी के मूर्तियां आते, ऐसा चांदी के प्लेट आते, आसान से देख लीजिए कोई डस्ट पकड़े चांदी का वो चीज भी आते, आसान से ऐसा पेस्ट से हमें ये क्लीन कर सकते हैं। ऐसा पेस्ट पूरा अप्लाई करके ऐसा क्लीन करना, थोड़ी देर के बाद छोड़ देना, फिर क्या करते थे कपड़े से पानी से थोड़ा धो लेना, ईजी से क्लीन करने के बाद देख लीजिए नए जैसा आपका चांदी का मूर्ति है, प्लेट कोई भी है, पट्टी भी है, आसान से नए से क्लीन हो जाता, ईजी से ट्रिक है। दोस्तों ऐसा कोलगेट पेस्ट से आप क्लीन करते थे देख लीजिए। आप क्या करते हो तो आपके दीवार के साइड कोई तो स्टिकर लगा के तो नहीं करता, कोई तो पेन से, पेंसिल से, ऐसे कोई तो मार्कर से घी से टेम्पो दीवार पर ऐसा घीते पड़े थे, ऐसे क्या करते तो ऐसे आप मार्कर ऐसा डस्ट को आप क्या करते आसान से क्लीन करने का कोलगेट व्हाइट पेस्ट से आप क्लीन करना, ऐसे सिंपल से क्लीन करते थे आसान से क्लीन हो जाता। ज़्यादा रफ करे तो आपका दीवार का पेंट भी चले जाता, ज़्यादा रफ करें सिंपल से क्लीन करके आपके दीवार का स्टिकर का मार्क संदे कोई भी हंदे पेंसिल मार्क कोई भी हंदे आसान से रिमूव कर सकते। ऐसे आप कोलगेट पेस्ट से क्लीन करके देखना, क्लीन 100% हो जाता, ट्राई करके देखना आप। दोनों ऐसे कोलगेट पेस्ट से आप क्या करते हो तो घर में आते टाइल्स आते ना, टाइल्स हम आसान से क्लीन कर सकते हैं। ऐसा व्हाइट टाइल्स आते ना मामूल से क्लीन हो जाते, कोने में छेड़ा में आपको क्लीन नहीं होता। ऐसे क्लीन नहीं हुआ तो आप क्या करते हो थोड़ा आप कोलगेट पेस्ट इस्तेमाल करके लगाए के बाद से आप ब्रश से क्लीन करना, 15 मिनट के बाद आसान से क्लीन हो जाता, आपके टाइल्स भी आने नए जैसा बन जाते। आप कोलगेट पेस्ट आप टाइल्स भी आसान से क्लीन कर सकते हैं, ट्राई कर। दोस्तों आपके मिरर रहता ना आपके घर में है, आपके बाथरूम में है, कोई जगह भी मिरर है तो डस्ट आया है तो आसान से क्लीन कर सकते हैं। घर में कॉलिन है तो कॉलिन से क्लीन कर लेना, कॉलिन नहीं है तो आप कोलगेट पेस्ट इस्तेमाल करके आप क्लीन कर सकते हैं। कोलगेट पेस्ट आप मिरर पे ऐसा अप्लाई कर लेना, अप्लाई करने के बाद आप थोड़ा पानी डाल के कपड़े से ऐसा रफ करे तो आपको नीट से आ जाता, नए जैसा बन जाता आपके मिरर। होने का तो एक बार टेस्ट करके देख लो, कोई डस्ट भी नहीं है, ऐसा आसान से क्लीन हो जाता, ऐसे क्लीन कर लेना आप। कोलगेट पेस्ट आप टैप को क्लीन करते शाइनिंग ज्यादा आता, फिर आसान से क्लीन हो जाता। अब आपको क्लीन करके दिखा दूं मैं, क्या करते कमिंगनार ले लेना, कमिंगनार से थोड़ा ऐसा रफ कर लेना आसान से, देख लीजिए कोई डस्ट या है आसान से क्लीन हो जाता। कमिंगनार से क्लीन करते भी क्लीनिंग हो गया, वॉश करके आपको दिखा देता हूँ कैसा है कि टैप देख लेना आप, आसान से क्लीन हो जाता। आप एक ऐसा आप टैप भी आसान से क्लीन कर सकते हैं आप कोलगेट पेस्ट से। कोलगेट पेस्ट देख लीजिए नॉर्मल क्लीनिंग किट नहीं, हमारे हेल्थ के लिए काम होता, कई को तो हेल्थ के भी इसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना का तो देख लीजिए, कभी तो हम लोग कोई तो हम जल गया, हम लोग हाथ भी हंदे पैर भी हंदे आंच में थोड़ा जल गया समझ लीजिए, ऐसा छीटा आप चमड़ा आ गया समझ लीजिए, फिर क्या करते हो तो आपको जब का जब फर्स्ट एड किट होना पेस्ट आप वो जल गए फपले पानी के बुड्ढे फपले ये नहीं सका, थोड़ा कम होता चाहिए, देख लीजिए दर्द होता फिर वो दर्द भी कम होता, ज्यादा फैल नहीं सका। ऐसा जब का जब भी सामना कम करना होगा तो कोलगेट पेस्ट इस्तेमाल करके थोड़ा दर्द कम करे जा, फिर होना होगा तो ट्रीटमेंट दे ले जा। देख लीजिए और एक ट्रिक भी है हम लोग हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, देख लीजिए कभी तो हम लोग आपका होटा आपको ठंडी मौसम के वजह से नहीं कर तो आपको आइस के वजह से ऐसा चेहर गया कोई तो हुआ तो आप क्या करते हो कोलगेट पेस्ट भी आप ऐसा इस्तेमाल करके आप लगाए करना, वो होट फटने का नहीं तो कटने का चमड़ा क्या तो होने का प्रॉब्लम वो सोल्यूशन हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम होता नहीं, पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ओके दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, देखते रहिए ऐसे क्रिएटेड इसमें और एक बार मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।